हेलो इंजीनियर्स, इस दुनिया में जितना भी रोड हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहा है वो या तो आपका फ्लेक्सल पेमेंट होता है जिसको आप बिटमिन यानी डामर का रोड बोलते हैं, या फिर आपका रिजिड पेमेंट होता है जिसको आप सीमेंट कंक्रीट का रोड बोलते हैं। और इन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है आपका सबबेस की लेयर। तो जब भी हम किसी रोड हाईवे एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें एम्बैकमेंट का कंस्ट्रक्शन करना होता है, उसके बाद हमारी पहली लेयर सबग्रेड की आती है और उसके बाद हमारी सबबेस की लेयर आती है। तो जो आपकी सबबेस की लेयर आ रही है उसमें भी आपकी दो लेयर आती है। सबसे पहले आपका जीएसवी का लेयर आता है जिसको आप ग्रेनुलर सबबेस बोलते हैं, और दूसरा लेयर फिर आपका सीटीएसबी का आता है जो कि हम कभी कभी यूज करते हैं जिसको सीमेंट ट्रीटेड सबबेस बोला जाता है। तो जनाब आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपका जीएसबी क्या होता है, जीएसबी हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कहां पे प्रोवाइड करते हैं, एज पर मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे जीएसबी के क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होंगे, जीएसबी का कौन सा सेक्शन यूज किया जाता है, मॉर्थ की कौन सी क्लॉज यूज होती है, और एज पर मॉर्थ आपका जो जीएसबी है उसका मिनिमम लेयर थिकनेस कितना होगा, मैक्सिमम लेयर थिकनेस कितना होगा, और जो हमारा जीएसबी है उसमें लेवल टॉलरेंस हम कितना रखते हैं, और इसके बाद आपकी जीएसबी की एज पर मॉर्थ मेजरमेंट कैसे करते हैं, जिसके बिहाव पे आपका बिल ऑफ क्वांटिटी बनता है, जिसके बिहाव पे आपके बिल बन रहे होते हैं और बिल पास हो रहे होते हैं, और इतना सब करने के बाद जो हमारा जीएसबी बन रहा है उसमें कौन कौन सा हम मटेरियल यूज करेंगे, इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका मैक्सिमम साइज कितना रखना है, उसका मिनिमम साइज कितना रखना है, और एज पर मॉर्थ जीएसबी में कितनी ग्रेडिंग होती है। अब ये ग्रेडिंग क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और कौन सी ग्रेडिंग हमें कहां पे रखनी है ये भी आपको सीखने को मिल रहा होगा, और जो आपका मटेरियल यूज हो रहा है उसकी क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट होगी, आपका एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू कितना होगा, आपकी लिक्विड लिमिट कितनी होगी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमें कितना रखना है, सीबीआर हमारा कितना होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए। और इतना सब होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जीएसवी के मटेरियल की लेइंग कराते हैं। तो जब जीएसवी का मटेरियल लेइंग होता है तो उसकी क्या प्रोसेस हमें फॉलो करनी है, और उसके बाद हमें कॉम्पैक्शन करना होता है। जब हम कॉम्पैक्शन करते हैं तो उसमें पानी डालना होता है, तो उस समय आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, और हम उसमें कौन सा रोलर यूज करेंगे, जो रोलर यूज कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी रखनी है, रोलर चलाने का क्या प्रोसेस रखना है, और इस दरमियान हमें रोलर का कितना नंबर ऑफ पास मारना है। और इतना सब करने के बाद जब हमारा पूरा कॉम्पैक्शन होगा तो हमें डेंसिटी कितनी अचीव करनी है, हमारा कॉम्पैक्शन कितना आना चाहिए जिसके बिहाफ पे हमारा पूरा का पूरा जो बेड है वो पास हो जाए। पता चले कि आपने इतना मेहनत किया है और आपका बेड फेल हो गया है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सीखने को मिल रही होंगी। और इसके साथ साथ आपका जो एम्बैकमेंट होता है उसके क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होते हैं एज पर मॉर्थ, और बहुत सारे इंजीनियर्स को सबग्रेड और एम्बैकमेंट में डिफरेंस नहीं पता होता है, तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जो कि आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट टेनर, मैं आप सभी का रिइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब बेस क्या होता है। तो जो आपकी सबसे पहले सबग्रेड की लेयर आ रही है और जो आपकी बेस कोर्स की लेयर आ रही है उसके बीच में जो लेयर आती है उसको बोलते हैं हम सब बेस, और इसमें आपका ग्रेनुलर मटेरियल यूज किया जाता है इसलिए इसको ग्रेनुलर सब बेस यानी जीएसबी भी बोला जाता है, और इससे आपका पानी पास हो जाता है इसलिए हम इसको फिल्टर मीडिया या फिर ड्रेनेज लेयर भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका जीएसबी होता है उसका मॉर्थ का कौन सा सेक्शन होता है, तो इसमें हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे का सेक्शन 400 यूज करते हैं और उसकी क्लॉज 400.1 यूज की जाती है, और एस पर मॉर्थ जो आपका जीएसपी है उसकी जो मिनिमम लेयर थिकनेस है वो आपकी 150 mm होती है, आप इससे कम नहीं डाल सकते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम लेयर थिकनेस होती है यदि आपके पास प्लेन स्मूथ रोलर है तो आप 200 mm तक डाल सकते हैं, यदि आपके पास वाइब्रेटरी रोलर है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 mm तक की लेयर डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लेवल टॉलरेंस की। तो जो आपका जीएसपी होता है एस पर मॉर्थ उसका जो लेवल टॉलरेंस है वो होता है आपका प्लस माइनस 10 mm का। ये जो लेवल टॉलरेंस है वो आपको थिकनेस में टॉलरेंस नहीं मिल रहा है, जो आपका जीएसबी का लेवल होता है, जैसे एक आपका डिजाइन रोड लेवल होता है जिसको आप DRL बोलते हैं या फिर आप उसको FRL भी बोलते हैं, फिनिश रोड लेवल, उसी तरह से जो आपकी जीएसबी की सरफेस होगी उसकी जो टॉप लेवल होगा वो उसमें आप प्लस माइनस 10 mm का टॉलरेंस कर सकते हैं। प्लस 10 mm करेंगे तो भी आपका बेड पास हो जाएगा, माइनस 10 mm करेंगे तो भी आपका बेड पास हो जाएगा, इससे ऊपर नीचे होगा तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट की। तो जो आपका जीएसबी होता है उसको हम लोग एज पर मॉर्थ मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। इसकी जो आइटम बनती है जीएसबी की वो आपकी मीटर क्यूब बनती है, आप जितना भी BOQ देखेंगे वो
सब मीटर क्यू में आते हैं। जितना भी आपका जीएसवी का बिल पास होता है सब हम मीटर क्यू में ही क्लेम कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो जो आपका जीएसवी है उसमें अगर हम मटेरियल की बात करें तो उसमें आपका क्रस्ट स्टोन है, आपकी नेचुरल सैंड है, या फिर उसमें आप क्रस्ट ग्रेवल भी यूज कर सकते हैं। बस आपको यूज नहीं करना है, वो क्या नहीं करना है, वो आपको कुछ भी आपको ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर सॉइल यूज नहीं करनी है। बाकी देखा जाए मोटा मोटी तो उसमें आपका प्योर एग्रीगेट आता है। अब जो एग्रीगेट आता है उसकी हम साइज की बात करें तो इसमें जो एग्रीगेट का साइज है वो आपका 75 माइक्रोन से लेके 75 mm तक सभी साइज का एग्रीगेट आ रहा होता है एज पर ग्रेडिंग। अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो जो आपका जीएसवी है उसमें हम लोग एज पर मॉर्थ 6 ग्रेडिंग यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 आपकी इसमें ग्रेडिंग यूज होती है। और बहुत सारे इंजीनियर्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ये ग्रेडिंग क्या होता है। तो हम ग्रेडिंग की बात करें कि हमें किस mm का मटेरियल कितना परसेंटेज में रखना है, वो होता है हमारा ग्रेडिंग। बहुत सारी सीव्स होती हैं, आपने कॉलेज टाइम में देखा होगा सीव एनालिसिस टेस्ट किए होंगे, तो आपका 75 माइक्रोन से लेके 75 mm तक हम बहुत सारी अलग अलग साइज की सीव यूज़ कर रहे होते हैं। तो किस साइज के ऊपर, किस सीव के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल रिटेन करेगा, तो उसके हिसाब से हमने ग्रेडिंग डिवाइड की हुई है। तो टोटल आपकी 6 ग्रेडिंग होती है, जिसमें आपका थर्ड और फोर्थ ग्रेडिंग है वो आपका लोअर सब बेस में यूज किया जाता है। बाकी जो आपकी फिफ्थ और सिक्स ग्रेडिंग है उसको हम लोग ऐसे ड्रेनेज लेयर, ऐसे फिल्टर मीडिया हम लोग यूज करते हैं। बाकी इस ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जीएसपी का पूरा 6 ग्रेडिंग दे रखा है। ये आपका ग्रेडिंग फर्स्ट है, ये आपकी ग्रेडिंग सेकेंड है, ये ग्रेडिंग थर्ड है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका ग्रेडिंग फोर्थ है, ग्रेडिंग फिफ्थ है और ग्रेडिंग सिक्स है। तो इस तरह से हमारा जीएसपी का हमें यहाँ पे 6 ग्रेडिंग दे रखा है। और यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड सीव डेजिग्नेशन दे रखा है कि हमें किस साइज का सीव यूज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे आपका 75 माइक्रोन का सीव है, जिसको आप 0.075 mm बोल सकते हैं। उसके बाद आपका 425 माइक्रोन का सीव है, 850 माइक्रोन का सीव है, 2.36 mm का सीव है, 4.75 mm का सीव है, 9.5 mm का सीव है, 26.5 mm का सीव है, 53 mm का सीव है और 75 mm का सीव है। सीव क्या होता है, आपका छन्नी, जैसे आपने घरों में देखा होगा किचन में हम लोग आटा छानते हैं, उसी तरह से जो हमारा लैब होता है उस लैब में आपकी इस साइज की छन्नी होती है यानी सीव होता है। तो उसके ऊपर हम ये पूरा टेस्टिंग करते हैं। आपने कभी कॉलेज टाइम में टेस्टिंग किया हो तो सबसे नीचे हम लोग एक पैन लगाते हैं, उस पैन के ऊपर फिर आपका 75 माइक्रोन का सीव होता है, 425 माइक्रोन का होता है, और इस सीक्वेंस में सारी सीव लगा दी जाती हैं। और उसके ऊपर से फिर हम लोग कुछ अमाउंट का एग्रीगेट डालते हैं और उसको फिर हम लोग सेक करते हैं, या फिर हमारे पास अगर एडवांस वाइब्रेटर होता है तो उसे हम लोग वाइब्रेट करते हैं, फिर देखते हैं कि किस सीव पे कितना परसेंटेज ऑफ मटेरियल आपका रिटेन हो रहा है। तो इस व्याप पे हमारी ये 6 ग्रेडिंग है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ग्रेडिंग फर्स्ट को मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसका क्या मतलब होता है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ये हमारा ग्रेडिंग फर्स्ट है, इसी तरह से आपको ये अलग अलग ग्रेडिंग दे रखी हैं। तो ग्रेडिंग फर्स्ट में आप देखेंगे कि जो आपका 75 mm का सीव है जो कि सबसे ऊपर होता है उससे 100% की पासिंग है। मतलब कि जो आपका 75 mm का सीव है उसके ऊपर आपका एक भी गिट्टी नहीं रहना चाहिए, 100% आपका एग्रीगेट पास हो जाना चाहिए। और जो आपका 53 mm का सीव है उससे आपका 80 से 100% की पासिंग है। मींस उसमें आपका 20% मटेरियल रिटेन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी पास हो जाना चाहिए। इसके बाद आपका 26.5 mm का सीव है, इससे आपका 55 से लेकर 90% तक मटेरियल पास हो जाना चाहिए। और इसके बाद आप देखेंगे आपका 9.5 mm का सीव है, इससे 35 से लेकर 65% तक मटेरियल पास हो जाना चाहिए। और ये आपका 4.75 mm का सीव है, इससे 25 से लेकर 55% तक आपका मटेरियल पास हो जाना चाहिए। ये आपका 2.36 mm का सीव है, इससे आपका 20 से लेकर 40% तक मटेरियल पास हो जाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे ये हमारा 850 माइक्रोन का सीव है जो कि हम इसमें ग्रेडिंग फर्स्ट में यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये ब्लैंक दिखा रहा है। उसके बाद हमारा ये 425 माइक्रोन का सीव आता है जिसमें 10 से 15% की पासिंग होनी चाहिए, और ये हमारा 75 माइक्रोन का सीव है जिससे 5% की मटेरियल पासिंग होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 mm से कम कितना सारा मटेरियल है। तो इसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल भी यूज़ होता है, तो आपको जीएसवी कुछ इस तरह से दिख रही होती है। तो ये पूरा ग्रेडिंग है, तो मैंने आपको ग्रेडिंग फर्स्ट एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह से यहाँ पे बाकी की ग्रेडिंग्स है, ये आपका ग्रेडिंग सेकेंड है, ग्रेडिंग थर्ड है, ग्रेडिंग फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेडिंग आपका जो थर्ड है, फोर्थ है, उसको हम लोग लोअर सब बेस में यूज़ करते हैं, और जो आपका ग्रेडिंग फिफ्थ है, सिक्स है, वो हमारा ऐसे ड्रेनेज लेयर, ऐसे फिल्टर मीडिया यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें जो आपका मटेरियल यूज़ हो रहा है उसकी क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट
स्ट्रेंथ होती है, तो इसमें मोस्टली हम लोग एग्रीगेट यूज़ करते हैं। तो एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कि जो आपका एग्रीगेट है वो कितना हार्ड है, इसके लिए आपका एक AIB टेस्ट होता है जिसको आप एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट बोलते हैं। वो आपका मैक्सिमम 40% होना चाहिए, इतना है तो चल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो हम वो एग्रीगेट यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी लिक्विड लिमिट, तो जो आपकी लिक्विड लिमिट है वो आपकी मैक्सिमम 25% होनी चाहिए। जो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो आपका मैक्सिमम 6% होना चाहिए। और इसके बाद जो हम CBR वैल्यू टेस्ट करते हैं, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट होता है, वो आपका मिनिमम 30% होना चाहिए। इससे कम हुआ तो बात नहीं बनेगी। इसके बाद एक मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट होता है, तो जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वो आपका 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके लेइंग की प्रोसेस की, जो आपका GSB है उसको किस तरह से लेइंग करना है। तो सबसे पहले जो आपके बड़े बड़े डंफर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उसमें आपका GSB का मटेरियल आता है, तो उसको हम साइट पर डंप करते हैं। और डंप करने के बाद उसको हम लोग आपका जो ग्रेडर आता है उससे हम पूरा स्प्रेड कर देते हैं। और उसके बाद फिर हमारी कॉम्पैक्शन की प्रोसेस होती है, और कॉम्पैक्शन की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वाटर कंटेंट। आप खाली पीली कितना भी रोलर चला लीजिए, आपका सरफेस कॉम्पैक्ट नहीं होगा, हमें उसमें वाटर स्प्रे करना पड़ेगा। तो GSB की लेयर में कितना वाटर स्प्रे होगा वो होता है हमारा OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, कि आप कितना मिनिमम वाटर कंटेंट डालें तो आपको मैक्सिमम डेंसिटी अचीव होगी, उसको हम बोलते हैं OMC। उससे कम डालेंगे तो भी आपको डेंसिटी नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा डालेंगे तो भी आपको डेंसिटी नहीं मिलेगी। तो जो आपका GSB में हम OMC यूज कर रहे हैं वो जनरली आपका 6-7% के आसपास होता है। तो जो भी हमारी लैब OMC है उससे 1-2% हमें कम रखना है। और इसके बाद जो हम रोलर यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें 8 से 10 टन का वाइब्रेटरी रोलर यूज करना है। और रोलर चलाते समय उसकी जो स्पीड है वो आपकी स्पीड 5 km/h से कम होनी चाहिए। अब रोलर चलाना कैसे, ऐसा थोड़ी ना कि बस जाएंगे और रोलर चलाना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले बीच में रोलर नहीं चलाना है कि गए और बीच में रोलर चलाना स्टार्ट कर दिया, बीच में डिप्रेशन आ जाएगा, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो रोलिंग करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो जो हमारी रोलिंग स्टार्ट होती है वो हमेशा रोलिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम एजेस एंड मूव ग्रेजुअली टूवर्ड्स द सेंटर। तो हमें कोने से रोलिंग स्टार्ट करनी है और सेंटर की तरफ मूव करना है, फिर इसी तरह से दूसरे कोने से हमें रोलिंग स्टार्ट करनी है और सेंटर की तरफ मूव करना है, और बाद में हमें सेंटर में रोलिंग करनी है। तो जब आप रोलिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सरफेस है उसके ऊपर आपको रोलर को खड़ा नहीं करना है। यदि आप सरफेस के ऊपर रोलर को खड़ा कर देंगे और आपकी सरफेस पूरी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं हुई है तो वहाँ पर डिप्रेशन बन जाएगा, फिर उसको रिकवर करने में आपकी हालत ख़राब हो रही होगी। अब जो रोलिंग करते हैं तो जो रोलर की जो स्टैंडर्ड ब्रेथ होती है वो होती है आपकी 2.5 मीटर की। तो आप एक बार में तो पूरा रोड का आप रोलिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमें बार बार हमें पास मारना पड़ेगा। तो जब भी आप रोलिंग कर रहे हैं तो एक रोलिंग से दूसरी रोलिंग के बीच में आपको 1/3 का ओवरलैप लेना है, अदरवाइज कम से कम 300 mm की तो ओवरलैपिंग रखनी है ताकि बीच में आपका कोई गैप नहीं बने। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रोलर का कितना पास मानना है। तो कम से कम आपको 5 पास तो मानने हैं। 5 पास कैसे मानने हैं, ये पहला पास, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस तरह से कम आपको 5 पास मानने हैं। बाकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है तो उसके बाद हम प्रॉपर फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं कि हमें कितने पास मानने हैं। अगर आप ये भी चीज़ सीखना चाहते हैं कि सर हम किससे निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ पास मानने हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, तो हम इस पर भी आगे वीडियो बना रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये सब आपने पूरा कॉम्पैक्शन कर लिया, कॉम्पैक्शन करने के बाद हमें डेंसिटी कितना अचीव होगा, तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि जो आपकी डेंसिटी होती है वो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर बदल रही होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी एग्रीगेट की साइज के ऊपर बदल जाती है। लेकिन जो भी हमारा मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है उसका हमें 98% अचीव करना है। तो जो भी आपका कॉम्पैक्शन आएगा वो आपका 98% तो कॉम्पैक्शन आना चाहिए। अगर इतना कॉम्पैक्शन अचीव नहीं हुआ तो आपका बेड फेल हो जाएगा, आपके बिल पास नहीं होंगे, फिर से आपको वाटर स्प्रे करना पड़ेगा, फिर से आपको रोलिंग करनी पड़ेगी। एटलीस्ट आपको कॉम्पैक्शन 98% तो चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं GSP की जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह से आप रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं कि उसका साइट एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उसका क्वांटिटी सर्विंग का काम कैसे होता है, बिलिंग का काम कैसे होता है, रेट एनालिसिस कैसे होता है, तो इसका मैं एक ऑनलाइन लाइव बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि शाम को 9 बजे होता है। वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों प्रोफेशनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ये बैच 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमसे काउंसलिंग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।